कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। है फ्रेंड, हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रायग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, क्लास 10th की। तो देखते हैं हम लोग ट्रायग्नोमेट्री यानी कि क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले उसका हम लोग कुछ फार्मूलों के देखेंगे, और फार्मूला क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको फार्मूला हमने बताया था साइन थीटा बराबर, ये सारे फार्मूला हमने यहाँ पे बताया था, तो अब देख लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके के हम लोग के सामने कुछ फार्मूले होंगे। देखते हैं यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे पूरक एंगल, यानी कि पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ओनली फोर दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इफ ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन एंगल सी इज थीटा, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल ए इज 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला यहाँ पे होने वाला है। साइन थीटा हम बात करने वाले हैं, साइन थीटा, साइन थीटा यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। एंड अब बताइएगा हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, अब थीटा हम अब इसको ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके अकॉर्डिंग में ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे और ये बेस होंगे, और ये हमारा हाइपोटेनस हमेशा ऑलवेज रहेगा ए सी। तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का जगह पे कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, बेस बाई हाइपोटेनस यानी ए बी बाई ए सी, दैट मीन्स ए बी बाई ए सी। हम किसी एक फार्मूला को प्रूव करके दिखा रहे हैं। अगर हम लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लें, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखेंगे यहाँ पे हमारा आर एच एस ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसके रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, ये हमारा एक आइडेंटिटीज आ जाती है, एक फॉर्मूला आ जाती है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यह भी बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा एक आइडेंटिटीज इधर आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे टेन और कॉट, और उसके बाद कॉसेक एंड सेक में देखेंगे। तो जैसा कि हमने दिखाया अभी साइन थीटा इक्वल टू कॉस माइनस कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये हम अपना इधर दिखाया। अब हम लोग अगर इसे इरेज कर इरेज करके देखेंगे हम लोग अब टेन थीटा और कॉट थीटा को देखते हैं। देखिएगा इधर देखेंगे आप लोग अब वो कुछ इस प्रकार का है, जैसे फॉर लिखा है यहाँ पे, हम ओनली फॉर थीटा की बात करेंगे यानी टेन थीटा। इसके रिस्पेक्ट में अब यहाँ पे चेंज होगा, ये क्या कहलाएंगे पी, और ये वाले क्या कहलाएंगे बी, ठीक है। तो टेन थीटा हम लोग जानते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी वाई वी यानी कि ए बी वाई बी सी, ए बी वाई बी सी। इसे हम लोग इक्वेशन नेक्स्ट वन रख लेते हैं, हमारी इच्छा, हम क्योंकि अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद देखेंगे हम 90 माइनस थीटा को ही थीटा मान लेते हैं अकेले, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट थीटा लिखना चाहेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं बी बाई पी, जस्ट इसका अपोजिट। तो दैट मीन्स अब इसके लिए रिस्पेक्ट में ए क्या कहलाएंगे, ए बी कहला जाएंगे, और ये हमारा क्या कहला जाएंगे, पी कहला जाएंगे। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ए बी बाई बी सी, सेम कैटेगरी होंगे ए बी बाई बी सी। फिर इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड बोलेंगे, तो मेरा आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ पे देखेंगे फिर आर एच एस आपस में इक्वल है, तो बोल सकते हैं हम लोग कॉट थीटा जो था यानी कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने इस पूरे को ले रखा है, ठीक है, यानी बोल सकते हैं कॉट ए, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। तो एक आइडेंटिटीज हम लोग का ए आई, नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो हम लोग का है जस्ट इसका रिवर्स होगी, और वो क्या होगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटीज होगी। इसी तरीके से हम अपना अगले आइडेंटिटीज को समझ सकते हैं, और वो आइडेंटिटीज हमारा कुछ इस प्रकार के होंगे, यानी सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में रिलेशनशिप आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखोगे कुछ इस प्रकार का होगा, फिर मेरा सिर्फ और सिर्फ थीटा का खेल, एंगल का खेल है। अगर एंगल चेंज होंगे यानी कि परपेंडिकुलर और बेसिस चेंज हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो फिक्स होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस यहाँ से चेंज होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम लोग लिखेंगे अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिखा मैंने, कोसेक थीटा होता है एच बाई पी, थीटा लिखा इससे, इसके रिस्पेक्ट में होंगे हमारा यहाँ पे पी होगा, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होंगे हमारा बी होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कोसेक थीटा मैंने लिखा एच बाई पी, दैट मीन्स एच का वैल्यू जो है एसी है, एसी हम लोग लिख देंगे, एंड पी का जो वैल्यू है हम लोग लिखेंगे ए बी। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे सेम, उसके बाद हम इसको मान लेते हैं थीटा, यानी 90 माइनस थीटा मान लेंगे, दैट मीन्स सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा एज चीजें क्या होंगी चेंज होंगी, और हमारा क्या होंगे बी कहलाएंगे, और हमारा क्या कहलाएंगे पी कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में होते हमारा फॉर्मूला वो क्या होते हैं, यानी एच बाई बी होता है, और बी का वैल्यू हमारा ए बी है, तो हम लोग लिखेंगे यानी ए सी बाई ए बी। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल गेट कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ओके, एंड ऑल्सो नेक्स्ट ट्रिक में हम लोग देखेंगे, यानी इसी का हम लोग जस्ट रिफर्स कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है। हम लोग देख लेते हैं और कोई फॉर्मूले हैं, मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूले इसी पे बन जाएंगे। अगले टॉपिक में हम लोग जब आएंगे 8.4 में, तो ये सारे फार्मूला जब इसका अपोजिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन आइडेंटिटीज आएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटीज होगा। तो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, तो आज हम लोग बस इतना ही मिलेंगे। तो आज लास्ट में हम कुछ बोल देते हैं, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, वक्त बनने तक हौसला बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।